न्यूज़ से विजेंद्र राणा। आज बागपत के अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हापुड़ में घटना में लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। बागपत के अधिवक्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर मानव श्रृंखला बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की भी मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हापुड़ घटना में लिप्त अधिकारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज जाम लगाया है, ज्ञापन दिया, क्या मांगे? हमारी मांग है कि हम जो हापुड़ प्रकरण हुआ था उसमें बार काउंसिल हमारे साथ है और आज तक इतनी लंबी हड़ताल कभी नहीं चली। अब बार काउंसिल ने जितनी लंबी हड़ताल अब की बार की है, वकीलों को न्याय चाहिए। जब तक उन्हें सस्पेंड ना करा जा और वहां से हटाया ना जा या उनकी गिरफ्तारी ना हो तब तक वकील हड़ताल पर ही रहेंगे। पूरे प्रदेश के वकील, हम प्रदेश के क्या, दूसरे प्रदेश के वकीलों ने भी हमारा समर्थन किया है, ये भी हमारे साथ। वकील साहब, जुलूस निकाला, क्या मांगे आप लोगों के हाईवे पर जाम भी किया? जो है हमारी बार काउंसिल के आह्वान पर ये हमने एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम था हमारा देव साहब को, और हमारी मांग है हापुड़ प्रकरण में जो SP और DM है इन्हें बर्खास्त किया जाए, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई। बार काउंसिल कब तक हड़ताल जारी रख रही है? जब तक ये बर्खास्त नहीं होंगे DM और SP और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हड़ताल करेगा।